नमस्कार दोस्तों, युवानी टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना रोहित बिसाइया। आज हम दिल्ली के 5 सितारा होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर सनी देओल एंड पल पल दिल के पास की पूरी स्टार कास्ट आई हुई है, जिसमें करण देओल उनके बेटे लॉन्च हुए हैं। और पल पल दिल के पास इसी शुक्रवार को 20 सितंबर को आपके सिनेमाघरों में आएंगी और इसी को लेकर सनी देओल और उनके बेटे करण देओल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलक। हम जानना चाहते हैं कि क्या कहानी है इस गाने की। सर, गाने की कहानी ये थी कि जैसे आप जानते हैं हमारा टाइटल पल पल दिल के पास है और पापा की फिल्म थी पल ब्लैक मिल, जिससे जिसका वो गाना था और वो गाना मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। सबसे मेरा ख्याल है लव एंथम होगा वो गाना। और मैं चाह रहा था कि उस गाने को मैं ना इस्तेमाल करूं, बिकॉज उसकी अपनी एक खूबसूरती है, हम लेंगे तो कुछ बात अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम लोगों ने ये नया गाने के पीछे लगे रहे और मेरी पूरी टीम थी, ऋषि रिच, सचेत परंपरा, सिद्धार्थ गरिमा, हम लोग मनाली में ही थे सब, पूरा हम लोगों ने वहीं बैठ के सब कुछ किया। तो वहाँ करते 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 फिर धुन निकली, धुन के बाद फिर वर्ड्स निकले। माना वर्ड्स बहुत सिंपल होने चाहिए ताकि एक कहानी की तरह निकलने चाहिए। तो उस तरह से इसकी शुरुआत हुई और फिर शूटिंग की हमने और आपने गाना देख लिया। और जैसे आप कह रहे हैं अभी लोगों को पसंद आ रहा है, बस हमारा गोल वही था कि जिस तरह से पल पल दिल के रहना तू पल पल दिल के पास जो गाना था, उसी तरह से ये गाना भी लोगों तक उसी तरह से उनके मुंह पर चढ़ जाए। सनी सर, राजेश फ्रॉम दिल्ली 99, आपने सर दिल्ली में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बारे में, तब आपने बताया था कि धर्मेंद्र सर का ये फेवरेट गानों में से एक है। क्या इसकी मेकिंग में भी धर्मेंद्र सर का कोई योगदान रहा या उनसे कोई आपने कुछ इसमें कुछ योगदान लिया इस फिल्म की? देखिए, इसमें बस मैं चाह रहा था कि किस तरह से मैं पापा को फिल्म में जोड़ूं, तो मैंने टाइटल इसलिए वो रखा पल पल दिल के पास, ताकि पापा भी अपने पोते के साथ जुड़ जाएंगे, पूरी पिक्चर के अंदर जुड़ जाएंगे। और जैसे आपने देखा ही, हमने जितनी भी फिल्में बनाई हैं विजेता फिल्म्स पर, कभी घर का कोई आदमी साथ में नहीं काम करता। तो इंडिविजुअल बच्चों को जब हम लॉन्च कर ही रहे हैं, जैसे 2 बच्चे हैं, तो उसके बीच में मैं नहीं चाह रहा था कोई भी आए। आप फादर होने के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, सेट्स पे जब होते थे एज अ डायरेक्टर, आपका एक अलग विजुअलाइजेशन होता है किसी भी सीन का। करण जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करते थे, एज अ फादर या एज अ डायरेक्टर? देखिए, एज अ फादर तो बात पहले शुरू होती है जब मैंने सोचा कि मेरा बेटा लॉन्च होना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू एक्ट, तो वहाँ से शुरुआत होती है एज अ फादर। और फिर ढेर सारे डायरेक्टरों से बात की, फिर कहीं कुछ बात बनी नहीं सही ढंग से, फिर मैंने तय किया कि मैं डायरेक्ट करूँगा। तो जहाँ से फिर डायरेक्शन जब मैंने तय कर लिया, तो उसके बाद फिर होता है कहानी क्या होगी, तो कहानी के ऊपर बातचीत हुई। तो जब वो सब चीज़ें सब तय हो गई, उसके बाद फिर डायरेक्टर ही है जो आगे आ जाता है, फिर फादर कहीं सामने नहीं आता, बिकॉज जब फादर आ जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। डांट लगानी पड़ी? नहीं, डांट लगाने का मैं डायरेक्टर वैसा नहीं हूँ। डायरेक्टर को मैं चाहता हूँ कि एम्बियंस अच्छा हो, नहीं तो मैं उनसे काम कैसे अच्छा निकालूंगा, क्योंकि मैं खुद इस दौर से जा चुका हूँ, मुझे मालूम है कि आदमी कितना नर्वस होता है और जितना शोर मचता उतना एक्टर से परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो मैंने पहली भी जो फिल्में की थी इसी तरह से की थी। मैं एम्बियंस में चाहता हूँ जितना भी हमारे सेट पे हूँ सब प्यार से रहें, काम हो, ताकि मैं उनसे काम निकाल सकूँ। हाँ, फिर वो बात दूसरी है कि मैं इनके पीछे ही पड़ जाता था जब तक मेरे को एज ए डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता था, बिकॉज मुझे मालूम है कि एक्टर के अंदर अभी और भी है जो मैं निकाल सकता हूँ। तो उस खोज में मैं लगा रहता था, क्योंकि ये नए बच्चे हैं, इनको इतना पता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये पहली फिल्म है, तो आई एम श्योर जैसे मैं सीखा उसी तरह से ये भी आगे बढ़कर दोनों सीखेंगे, समझ पाएंगे। सर,